नेत्रलाल जी एक बात बताइए, जैसे सीबीआई के भी ममता जी के ऊपर जांच हुई या सीबीआई का जो और जगह कई जगह इस्तेमाल हो रहा है, पब्लिक बोल रही है गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट 2019 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो किस तरीके से पड़ेगा उसके बारे में बताएं। ये चार साल में खासतौर से बीजेपी की जब सरकार रही है ना जी, तो जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं सबकी क्रेडिबिलिटी जो है ना डाउन हुई है जी। सीबीआई की क्या क्रेडिबिलिटी है, इनके आपस के झगड़े से ही सबके सामने आ गया जी। रही बात की सरकार जो है ना अपने 5 साल के कार्यकाल में वो पकौड़े बेचवाने के अलावा और एलईडी बल्ब सस्ता कराने के दावे के अलावा कुछ डिलीवर नहीं कर पाई है। दलित पे, मुसलमानों पे हमले बढ़े हैं, पिछड़ों पे हमले बढ़े हैं, इनके राजकाल में काला धन लेके लाने का वादा था और देश के हमारे गरीब जनता की खून कमाई के सफ़ेद धन लेके माल्या, मेहुल चौकसी और ऐसे लोग जो है मोदी सब भाग गए इधर से जी। रोजगार 2 करोड़ देने का वादा था, रोजगार मिला नहीं जी। तो इस सरकार चूंकि हर मुद्दे पे फेल हो गई है, अब राम का मंदिर भी इनका चल वल नहीं रहा है जी। समझ गए, संकल्प यात्रा भी फेल हो गया, धर्म संसद भी फेल हो गया। तो इस तरीके से जो ना रियल इशू से डाइवर्ट करने के लिए ये सरकार ये लीला कर रही है, ये हारने जा रहे हैं।